आराम। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन गेट है, एक ईस्ट गेट हो गया, एक साउथ गेट और एक वेस्ट गेट। ये साउथ गेट और ये वेस्ट गेट। तो एक्चुअली हम लोग दिल्ली से आए हैं, नोएडा से आए हैं, तो आपने देखा होगा कि ये जो गेट है आप जो देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे वेस्ट गेट, इस जगह में ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह जो है ये बहुत ज़्यादा कम है और रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर आपको कभी आना हो तो आप प्लीज़ किसी से भी मालूम कर लीजिएगा कि आपका ईस्ट गेट से आपकी एंट्री कहाँ पे हो रही है। तो ईस्ट गेट की एंट्री से आपको ये वहाँ पे मतलब कन्वीनियंट मिलेगा कि आपको वहाँ पे ट्रैफिक बड़ी कम मिलेगी और लोग वगैरह आपको वहाँ पे कम मिलेंगे। और यहाँ का बहुत बढ़िया नेचर है, एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है, और जिस तरीके से आप देखना चाहते हैं हमारी इंडियन सभ्यता के हिसाब से यहाँ पे रश कम है और काफ़ी क्लीन एनवायरनमेंट है। और फॉरेनर्स जो हैं अक्सर इसी पीछे की तरफ काफ़ी सारी होटल्स वगैरह हैं तो ये वहाँ पे रुकते हैं। और ये हमारा मेन ताजमहल का गेट है, एंट्रेंस गेट जिसे आप देख रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि उर्दू की काफ़ी सारी आयतें लिखी हुई हैं डोर के उस पर, अगर आप इसे पढ़ना चाहेंगे तो काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, काफ़ी सूरे और काफ़ी आयतें लिखी हुई है। मगर अगर आप अंदर जाएंगे तो ऑलमोस्ट लोग ये कहते हैं कि पूरी कुरान जो है वो ताजमहल की इमारतों पे लिखा गया है। तो अगर आप इसको कोशिश करें पढ़ने की, आप इसके बारे में अगर थोड़ी बहुत रिसर्च वगैरह करें तो आप ये जान सकते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज़ कुरान एंड व्हाट इज़ द थिंग डेडिकेटेड फ्रॉम शाहजहां। थैंक्स।